नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप और आपका बार्ड सही सलामत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि फिंच बर्ड को दाना और पानी या फिर कोई भी फूड हो ठीक तरीके से कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फिंच बर्ड अगर आप पालते हो या फिर अगर इसको पालना चाहते हो तो ये सबसे आसान बर्ड होता है जिसको आप पाल सकते हो। और इसका जो दाना पानी देने का जो प्रोसेस है ये सबसे आसान होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इधर इसको दाना दिया है। थोड़ा बहुत दाना ये खा चुका, ऊपर छिलका दिख रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा कप है, ये आप देख सकते हो कितना छोटा सा कप है मेरे हाथ के हिसाब से। जिस कप में चाय पिया जाता है वही वाला कप है। इसमें आप पानी दे सकते हो और इतना छोटा वाला जो ये आता है प्लास्टिक का जो पॉट आता है इसमें, या फिर मिट्टी का पॉट में भी आप दाना दे सकते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सुबह को दाना दे दो और पानी दे दो, वो करीब 5:30 से 6 बजे के आसपास ये प्रोवाइड कर दो। और शाम को जब शाम हो जाएगा, मतलब 6 बजे से 7 बजे के अंदर शाम के, उस टाइम पे पानी और दाना दोनों निकाल लो। और ये जो दाना है इसको आप किसी बड़ा वाला बकेट में ले लो और इसका जो छिलका है इसको हवा के ज़रिए इसको छिलके को दाना से अलग कर दो। और ये दाना फिर से उसी टाइम जब इसको अलग कर लिया शाम के टाइम ही अंदर केज के अंदर लगा दो। लेकिन पानी को केज के अंदर मत देना शाम को, पानी देना है अगले दिन सुबह 5:30 से 6 बजे के अंदर। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जाएगा। आप सुबह को पानी दे दिया, दाना तो रात को दिया था वही पड़ा है, तो दाना को सुबह हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं है। बस पानी को सुबह एकदम सुबह उठ के 5:30 से लेकर 6 बजे के अंदर आप पानी दे सकते हो उठ के, और पानी में जो भी दवाई देना है आप उस टाइम पे दे सकते हो। और दोस्तों, ऐसा कभी मत करना कि एक ही जगह पे पानी दे दिया जो या फिर दाना जो दे दिया यही दाना आप इसका छिलका अलग करके बार बार दे रहे हो, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ये जो सीड होता है इसमें पंछी पॉटी कर देता है जो बहुत गंदा हो जाता है। तो जब अगर ये दाना गंदा हो जाएगा तो इसको एक बड़ा वाला बाकेट में लेकर धूप में दे देना है। सारे आपके पास जितना सारा केज है सबका दाना एक साथ निकाल लीजिए और एक बड़ा वाला बकेट में लेकर धूप में इसको अच्छी तरह से सुखा लीजिए और साफ दाना इसको प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। अगर दाना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो उसको पानी में उसको वॉश करके फिर से उसको सुखा लीजिए। ऐसे ये प्रोसेस में आप फिंच को दाना पानी दे सकते हो। और दोस्तों, एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि जो गर्मी के सीज़न है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो फिंच बर्ड को हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन थोड़ा बड़ा जगह पे पानी देने का कोशिश करना। जैसे कि मैंने ये वाला जो कप दिया ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है, इसमें पंछी पानी पी भी पाएगा और नहा भी पाएगा। तो अगर ये फिंच अगर इसमें नहाता है तो फिंच का तबीयत थोड़ा सा सही होता है। और दोपहर के टाइम पे फिर से पानी चेंज कर दो। अगर नहाने के लिए और पीने के लिए एक ही जगह पे पानी दे रहा हूँ, जैसे कि एक ही जगह पे ही देते हैं, तो उसको दोपहर को फिर से चेंज कर दीजिए। लेकिन सर्दी के मौसम में नहाने के लिए पानी मत दीजिए। हफ्ते में एक दिन नहीं, महीने में 1 या 2 दिन अब इसको नहाने के लिए बड़ा जगह पे पानी दे सकते हो। या फिर आप जैसे कि इधर देख सकते हो, मैंने ये बड़ा वाला
प्लास्टिक का जो जिसमें दाना देता हूँ उसी जैसा सेम का सेम साइज का, जैसे कि इधर दाना दिया हुआ है और सेम साइज का प्लास्टिक का जो पॉट है उसमें पानी दिया है, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप नहाने के लिए भी पानी दे रहे हो ना, तो उसके लिए आपको दोपहर के टाइम आके पानी चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि बर्ड को अगर कोई बीमारी से बचाना है, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा बर्ड कभी कोई बीमारी में ना पड़े, तो आप अपने केज को हमेशा हमेशा साफ रखिए, साफ सुथरा रखिए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा केज के अंदर, आप देखिए ये उतना गंदा नहीं है, मैंने नेस्टिंग मटेरियल्स बस डाला था वही पड़ा है इधर, और थोड़ा बहुत पॉटी पड़ा है। एक हफ्ते में मैं एक बार या फिर दो बार कभी कभी भी इसको साफ कर देता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ, वॉश करके फिर से लगा देता हूँ। तो आपको भी, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ। मेरा ये मैं हमेशा ऐसा ही अपने बर्ड को दाना पानी देता हूँ और अपने केज को साफ़ सुथरा रखता हूँ। साफ़ सुथरा रखने से यह होता है कि पंछी कभी बीमार नहीं होगा, बीमार अगर हो भी जाता है तो आसानी से उसको क्योर कर सकते हो आप। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, और आपका अगर कोई भी सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बर्ड और आप सही सलामत रहो। बाय।